अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुसलमानों आलम को मेरी तरफ से दिली तौर पे ईद मुबारक हो। और मेरा इस ईद पे खसूसी पैगाम तमाम बहन भाइयों के लिए ये है कि जो हमारे इलाके में हमारे इर्द गिर्द जो खसूसी लेस प्रिविलेज मुसलमान हैं या सफ़ेद पोश तबके के मुसलमान हैं, उनका खसूसी ख्याल रखिएगा इसी ईद पर। और ना सिर्फ इनको ईद मिलिएगा बल्कि जो गोश्त होगा वो हर वक्त आपने उनको पहुंचाना है, और इस तरीके से पहुंचाना है कि इनको बिल्कुल एहसास ना हो कि जिस तरह आप इन पर कोई एहसान कर रहे हैं या इनको छिछड़े या हड्डियाँ डाल के दे दें, बल्कि जो गोश्त का सबसे बेहतरीन हिस्सा है वो आपने डाल के देना है। बहुत शुक्रिया। अभी मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने, और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको आके दिखाएँगे, बकरों को खाना भी खिलाएँगे, साथ उसके बाद फिर कुछ अपना भी नाश्ता करके उसके बाद फिर बकरों के लिए कसाई की तलाश करेंगे। अभी हम लोग अभी अपने करीबी जामा मस्जिद में जा रहे हैं नमाज की अदायगी के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट अहमद नासिर सलीम साहब, प्रोफेसर बिलाल साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। चलें जी, अब हम चलते हैं मस्जिद की जानिब चलते हैं। जो मोहतमे में मौलाना साहब हैं कारी जहाज साहब, इन्होंने अभी हर साल ईद की जानवरों का एहतमाम भी करते हैं, जिसमें सारे लोग मुश्तरका तौर पर हिस्सा डालते हैं। आप देख सकते हैं जानवर हैं, जैसे ही खुद भाई ईद अदा किया जाएगा उसके साथ ही ये यहाँ पे जानवर जो है वो ज़बह होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम ये जामा मस्जिद पहुँच चुके हैं, अब ये नमाज की अदायगी के बाद आपको बाकी आलोक सुनाते हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद अभी हम गाड़ी पर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ पे कुर्बानी के जानवर बंधे हुए हैं, वहाँ ले जाके दिखाते हैं। अभी कुर्बानी स्टार्ट हो ही गई होगी तकरीबन। देख सकते हैं कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी की गल से इज्तमाही कुर्बानी यहाँ पे हमारे ये भी जो मुकामी मस्जिद में अदा की जाती है, इज्तमाही कुर्बानी की जाती है। ये उसके सिलसिले में मुख्य जानवर यहाँ पे बांधे गए हैं। ये अजीब एक जबह खा चुके हैं और दूसरा जिसमें जानवर के पाँव बांध रहे हैं। ये पहला जानवर है जो जबह खा दिया है। बाकी आगे भी इन्होंने गिरा दिए हैं। जानवर उतार दिए तकरीबन चार जानवर इन्हें गिरा चुके हैं, चौथा ही जानवर गिराया भाई। ये दो आप देख सकते हैं, एक ब्राउन कलर का है, एक ब्लैक है। बाकी भी लगा हो रहे हैं। वापसी के लिए जा रहे हैं, पहले एक रास्ते से आए थे, अब दूसरे रास्ते से हम गाजिया जाएंगे। रास्ते में जगह जगह आप देख सकते हैं कुर्बानी के जानवर भी
हैं, कुछ कसाई हजरात भी फिर रहे हैं गली में, कुछ पेशावर कसाई हैं और कुछ सीजनल कसाई हैं जो हर साल के साल आते हैं। थोड़ी देर के मेहमान होते हैं, मत करो, बदले दिखाओ ना, तुम्हें दिखाओ ना, ना चाचू, एक को सुबह खाना खाली, एक को करवाना खाली, यस, इस वाले को करवा देना, इस ब्लैक वाले को प्लीज नहीं, अच्छा ओके, अच्छा, ब्लैक वाले को भी नहीं करवाना, ठीक है, आप पत्ते खिलाओ, ले गया क्यों, पूरा मिर्च ले गया, मैं और तोड़ के जाता हूँ, हम तो खुराक खिला रहे हैं, हमारे जो पड़ोस में हैं, पड़ोसी हैं, वो तो सामने उन्होंने अपना भुट्टा ज़बह कर दिया, अभी हम ढूंढते हैं इनके लिए खुराक, ढूंढते हैं, पहले इनको काफ़ी चोकर वगैरह खिलाया, अभी इनके लिए मैं ले के जा रहा हूँ ये दूसरे पत्ते जो हैं। करीब से खिलाते हैं बेटे, पेट के अंदर से नूडल निकाल के खा जाते हैं, कौन खाता है, खा नहीं जाते, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आज भी इधर थोड़ी सी खा लो, खा दिए बाकी फिर जो ना उसको ऊपर टांग के अपनी दूरी के मुताबिक खा नहीं जाएंगे, अभी दरख्तों से इसको उतार के दिया है बोटियाँ बनाने के लिए, ये देखो जरा सारा जो है ना, अब बोटियाँ बनाने का अमल स्टार्ट हो गया है, असि गुजरा लेते हैं, गुजरा ले पलवान खा देने, अभी फाइनली हमारा गोश्त कट गया है और हमने सुनते इब्राहिमी के मुताबिक और ये तीन हिस्से हमने कर दिए हैं, ये तीन हिस्से हैं तो इन तीन हिस्सों में से इंशाल्लाह हम जो है ना आगे रिश्तेदारों अपने लिए और जो सफ़ेद पोश मुसलमान हैं उनके लिए हम जो देखेंगे। अभी हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अभी अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।